गया के गेवाल बिघा स्थित एएम ग्रीन प्लेस से दो गया स्नातक क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार देवेंद्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा के नेतृत्व में किया गया। जागरूकता सह मतदाता जोड़ो अभियान कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद सरीम अली एवं मंच का संचालन अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नयर अंसारी ने किया। सैयद सरीम अली ने कहा, पिछली बार मैं स्नातक का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार मैं और मेरी पूरी टीम ईमानदार, शिक्षित और लोकप्रिय प्रत्याशी धीरेंद्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा को समर्थन करेंगे और 8 जिला में इस अभियान का हिस्सा रहेंगे। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीत पक्की है। वसीम नयर अंसारी ने कहा, आज से जागरूकता सह मतदाता जोड़ो अभियान का शुरुआत गया से किया जाएगा। आज ही शाम 4 बजे जहानाबाद में जागरूकता सह मतदाता जोड़ो अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। रोजाना 2 जिले में जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। यह अभियान प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर 19 अक्टूबर से चलाया जाएगा, जिसके लिए पूरा टीम का गठन किया जा रहा है। मौके पर अतिथि के रूप में उपस्थित फयाज खान ने कहा, हम लोग तन मन धन से धीरू शर्मा के साथ हैं। इस मौके पर बारिश नयन, सुखर्दी अख्तर, अमित योगी, फैज अहमद, ऋषभ सिंह, वसीम अहमद, यासीन अंसारी, उज्जवल भरद्वाज, शमशीर खान, सद्दाम हुसैन अंसारी, ओपी शर्मा, जमील साहिब, आशिक हुसैन अंसारी इत्यादि मौजूद थे। सारी महापंचायत, सारिम साहब, अयाज साहब, मुर्शिद साहब और मैं, अपनी इच्छा मेरी खुद थी। मैं भक्तों से, मैं लगभग 17 के बाद से इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ कि आने वाले दिन में मैं गया स्नातक से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरे बल को और मजबूती देने का काम हमारे साथी वसीम साहब, सारिम साहब, फयाज साहब, खुर्शीद साहब ने किया। गया के लगभग बहुत सारे लोग, मुस्लिम साथी जो मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मेरे बहुत जो अजीज़ हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग आपको समर्थन करेंगे, आप जो है मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ें। तो चुनाव को लड़ने की प्रक्रिया बाद में होगी, सबसे पहले आज मजबूती के साथ हम लोग जो है तो मतदाता को जागरूक करने के लिए आज आगाज़ कर दिए हैं। और ये आगाज इस तरह से है कि आज यहाँ से शुरुआत हुई है और आज ही हम लोग जहानाबाद भी जाएंगे और आने वाले 2-3 दिनों में 8 जिला घूमने का काम करूँगा और मतदाता को जागरूक करने के लिए सारे जगह घूमेंगे। हमारे मेम्बर होंगे वो स्नातक MLC कहलाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब भूल गए लोग, स्नातक MLC तो बन गए लेकिन स्नातक की बात नहीं। पूर्व में आज से याद होगा, 25-30 साल पहले हम छोटा थे, हमको याद था स्नातक जो हुआ करते थे उनको बेरोजगारी भत्ता मिला करता था। वो बेरोजगारी भत्ता जब तक की उनकी उम्र होती थी, उस समय 32 था एम्प्लॉयमेंट का एज, उस समय तक उनको बेरोजगारी भत्ता मिलती थी कि ताकि वो कंपटीशन की तैयारी करें, ताकि जो है कहीं घूमना हो, रोजगार की तलाश करना हो, सीखना हो तो वो जा सके, लेकिन उस बेरोजगारी भत्ता को भी समाप्त कर दिया गया। आप आइएगा सर, तो क्या क्या मैं स्पष्ट कर दिया कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की आज के डेट में। और पहले जो बेरोजगारी हुआ करती थी वो मैट्रिक पास होते थे वो बेरोजगार कहने लगते थे, लेकिन आज लाखों की संख्या में स्नातक है, लाखों की संख्या में स्नातक है, जिसका स्नातक ग्रेजुएशन करता था लोग कहता था प्रतिष्ठा, तो कैसा प्रतिष्ठा है, स्नातक करने के बाद भी उनके लिए आवेदन भरा जा रहा है, स्नातक करने के बाद सब्जी बेचा जा रहा है, स्नातक करने के बाद कोक्षा बेचा जा रहा है। अब कुछ लोग तो स्नातक के बाद कहते हैं कि चाहिए, तो हमारा कहना ये है कि जो स्नातक बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए हम लोग एक मुहिम छोड़ेंगे, उसकी आवाज़ हम लोग विधान परिषद तक उठाएंगे ताकि वो आवाज़ केंद्र तक जाए। और हम तमाम नगर आ रहे हैं, सारे लोग तन मन धन से उनके साथ हैं और जिसका का बात करते हैं यहाँ पर रखा। इन सब विचारों को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ऐसा जागता जीता जागता इंसान ग्रेजुएट पंचायत से MLC बने, जो सही मांगों में ग्रेजुएट के लिए कुछ ना कुछ काम करे
जिसका कारण व्यक्त किया। और अभी समय है 7 नवंबर तक, 8 जिला का मामला है 7 नवंबर तक, और ये 7 नवंबर के बाद भी डेट बढ़ता है जो मुझे अनुभव है, वो अभी पहला डेट आया है 7 नवंबर तक का कटऑफ है, और इसमें ही लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना लोग भरते जागरूकता का अभी अभियान स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरा भी रहा है। तो मेरे भाई इतनी कामना नहीं है, बिल्कुल आश्वस्त है जनता से, जिस जून से जिस जनता से आया है 2023 का चुनाव, इसी तौर पर काम करें।